शनिवार को इंदौर के जिला न्यायालय में विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महिला न्यायाधीश, महिला अधिवक्ता के साथ ही महिला कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश के बाद शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। ये प्रदेश में पहली बार हुआ है कि विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। इंदौर में रक्तदान शिविर में जिले के न्यायाधीश, न्यायिक कर्मचारी, अधिवक्ता और पुलिस प्रशासन के लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान शिविर में भाग लिया। दोपहर तक लगभग 150 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं लगातार सभी में रक्तदान को लेकर उत्साह देखने को मिला। इधर जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार पालीवाल के अनुसार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश में कहा गया था कि कोरोना संक्रमण के कारण रक्त की कमी आई है, जिसके चलते रक्तदान अभियान चलाया जाए, वहीं रक्त उपलब्ध कराया जाए, जिसके तहत ये आयोजन किया गया। हालांकि जिला न्यायाधीश पालीवाल ने इस दौरान जिले की जनता से रक्तदान करने की अपील भी की। गौरतलब है कि यह पहला मौका था जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।